नागदा को जिला बनाने की मांग को लेकर नागदा से भोपाल तक 255 किमी की पूर्त गैर राजनीतिक यात्रा जो नागदा को 30 अप्रैल से प्रारंभ हुई थी, जो उन्हेल उज्जैन होते हुए 3 मई बुधवार रात देवास पहुंची। रात्रि देवास विश्राम के बाद पुनः 4 मई को यात्रा चामुंडा माता मंदिर टेकरी से प्रारंभ होकर सोनकच्छ आष्टा सीहोर होते हुए 11 मई को भोपाल मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचेगी। यात्रा संयोजक बसंत मालपानी ने बताया कि सन 2011 की जनगणना के मान से देखा जाए तो नागदा शहर की कुल आबादी 1,79,000 है, जबकि हाल ही में मऊगंज और आगर को जिला बनाया गया है जिनकी आबादी नागदा से 4 गुना कम है। जब नागदा से कम आबादी वाले शहर जिले बन सकते हैं तो हमारा नागदा क्यों नहीं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी इस बात को पूछने और लगातार नागदा में उठ रही जिले की मांग को लेकर भोपाल जा रहे हैं। इस पदयात्रा में दिलीप पतरोड, चेतन नामदेव आदि नागदा से भोपाल तक शामिल थे। आपकी यात्रा है और क्या इसका उद्देश्य है? नागदा को जिला बनाने की मांग को लेकर हमारे 10 साथियों द्वारा नागदा से भोपाल तक पदयात्रा की जा रही है। नागदा वासियों की ये 15 वर्ष पुरानी मांग है और सरकार द्वारा नागदा से 4-4 गुना छोटे शहरों को जिला बनाया जा रहा है, जबकि नागदा जिला बनने के सारे मापदंडों पर खरा उतरता है। सबसे पहली बात, नागदा दिल्ली मुंबई का सबसे बड़ा जंक्शन है। दूसरा, नागदा की देश के सभी प्रमुख शहरों से रोड कनेक्टिविटी अच्छी है। नागदा में निजी एयर स्ट्रिप है। जिला बनाने के लिए जितनी शासकीय भूमि की उपलब्धता नागदा में है दूसरी जगह नहीं है। नागदा साल भर में 1,000 करोड़ का रेवेन्यू देने वाला एकमात्र 1.5-1.5 लाख की जनसंख्या वाला शहर है और 18 मार्च 2020 को कमलनाथ जी की सरकार में नागदा को जिला बनाने का प्रस्ताव पारित हो चुका है। मात्र गजट नोटिफिकेशन और दावे आपत्ति करना शेष है, उसके बाद नागदा जिला बन जाएगा। परंतु सरकार द्वारा लगातार इस मामले में लेट लतीफी की जा रही है। हमारे द्वारा, हमारे साथियों द्वारा हमारी मांग और नागदा की जन भावनाओं से मुख्यमंत्री जी को अवगत कराने के लिए ये पदयात्रा की जा रही है। हमारे साथ नागदा के 100 संस्थाओं के मांग पत्र माननीय शिवराज सिंह जी के नाम है। साथ ही 2000 परिवार से हमने जो जनमत संग्रह लिया है वो भी शिवराज सिंह जी को सौंपेंगे कि नागदा का हर जनमानस, हर बच्चा बच्चा ये चाहता है कि नागदा जिला बने। आपकी यात्रा कब शुरू हुई और आज कौन सा दिन है? 30 अप्रैल को हमने ये यात्रा प्रारंभ की थी और आज चौथा दिन हमारा इस यात्रा को हो चुका है। 11 मई को हम भोपाल पहुँचेंगे और माननीय शिवराज सिंह जी से मुलाकात कर नागदा की जन भावनाओं से अवगत कराएंगे। प्रतिदिन कितने किलोमीटर चलते हैं आप? लगभग 20 से 25 किलोमीटर मतलब एवरेज है हमें चलना है। अभी तक हम 95 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं, शेष यात्रा आने वाले 11 तारीख तक हम करेंगे। आपका परिचय? बसंत मालपानी। ब्यूरो रिपोर्ट।